लगन मैं सच बताऊं बहुत वीकनेस हो गई है मुझे। बहुत ही एक हमारी प्यारी सब्सक्राइबर ने बताया था कि वैसे नहीं है जैसे वो सोचते हैं ना गाड़ियों में। ओए लखनीत, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह कर रहे हैं योगा। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। काफी टाइम के बाद, मतलब मैं काफी टाइम के बाद, दीदी तो डेली कर रही है ना दीदी, और अभी बहुत लंबा ब्रेक लेने वाली है 7-8 दिन का, तो हम लखन का वेट कर रहे हैं। हमने अपनी योगा कर ली बट लखन का भी वेट हो रहा है। यहाँ पर कोर चैलेंज की तैयारी का कोर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं कौन सा चैलेंज है कोर चैलेंज सॉरी चलो भाई अब नीचे कर लो। क्यों परेशान कर रहे हो भाई मेरे नीतू को? कुछ नहीं, मैं तो देख रहा हूँ भाभी कितने क्यूट लग रही हैं योगा करते। बता दो क्या हो गया? कुछ नहीं मैम, क्या हुआ बताइए तो सही प्लीज। कुछ नहीं हुआ सीरियसली। क्या अलोम विलोम कर रही थी? अरे कुछ योगा कर रहा था तो ये क्यूट लग रहा था, मैंने ऐसे बोल दिया क्यूट लगा, मेरा बोल देते ना तो मैंने जो मुंह में अभी भाभी तो उसका मजाक बना रहे। मेरी भाभी अलोम विलोम कर रही थी करते करते वो। अरे यार कुछ नहीं निकला। कहा कहा नीतू भाभी बैंड से पहुंच गया। देखा एक बार ऐसे करा कहा तो पूछा कुछ भी नहीं है भैया। 13 दीदी का कल वो करेंगे हम कोर चैलेंज। क्यों? अपनी दीदी का बहुत स्ट्रांग है। कॉल आ जाएगी लखनऊ वहां जाना होगा मैच। आज जाना है मुझे 2 बजे। सुबह सुबह चाय पी रहा है, चाय पी के योगा। ये तूने पिया, मैं तो लेके जा रहा हूँ। अरे चला जाए यहाँ से। ये मैम ने पी ली। मैम योगा कर दे तू इसको वीडियो में यूज मत कर ओके। ये मैंने उसने ये बताया बहुत दो दिन बहुत शो ऑफ कर रही थी, बहुत वो बोल रही थी मेरे कोर बहुत स्ट्रांग है ये वो। अब हमने जाके करा कोर चैलेंज और थर्ड वन आया। मैंने बीच में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, पहले करा फिर बीच में कि मैं नहीं खेलती। स्नैपचैट ये वही जो स्नैपचैट ऑफिस से मिली थी। ये मेरे को मिली थी। स्नैपचैट क्या है? स्नैपचैट पता है भाभी ने जो बैंड पहने हुए ना, मैं ऐसे अपने 2-3 नए नए बैंड लाया हूं, नए कलर्स में, तो मैं अब ज्यादा यूज नहीं करता, मैंने रखे हुए हैं। मैं फेस वॉश यूज करता हूं। सही है सही है, रखे रखे उसको। मैं शीरो से मिलकर आता हूं। अच्छा शीरो हमारे वाले मम्मी के रूम में। अब गए वो बैंड। अच्छा यही है नीतू को पता, और नीतू ने बैंड लेने नहीं आई, वो शीरो से मिलने आई है। शीरो को चला गया तू कहां पर रखे होते इसके बैंड? अरे तेरे यहां वो बाल लगा है ना गुच्ची का, ये पतला वाला बैंड नहीं यार, जैसे लड़के को बोला। ओ बेटे रिस्की गेमर। तो हमारी खत्म हुई है लेट योगा, और मॉम ने मॉम की हेलो मॉम मॉम की हो गई है पूजा। नमस्ते मॉम। मॉम पूजा कर लिया आपने? पाई कहाँ है? हैं वो तो कह रहे ऊपर ये पाई विक्की। ये क्या है? ये क्या है मॉम? अब खोल कर देखेंगी ना, पता नहीं इसमें मॉम ने क्या छुपाया है। दो मैं खोलूं? ओके तो मॉम के इसमें कपड़े, मॉम ये अनस्टिच्ड है ना, ये तो सिले हुए हैं। ये वो होंगे जो आपने पहने नहीं है? नहीं ये तो कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, नहीं ये तो सूट। तो क्या है ये मॉम? ये क्या है? ओके टॉप है टॉप, और ये भी एक टॉप है। क्या कर रहे हो उनका? अरे बन के आए अभी। अच्छा मुझे लगा मॉम गिव अवे कर रही हैं। मॉम तो करती रहती हैं गिव अवे। पाई जा चुके हैं ऑफिस, और भगवान जी के दर्शन कर लो सबके साथ। मैं भी चलूं क्योंकि सच बताऊं तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है कुछ टाइम से, जैसे मुंबई में थी तब से ही बहुत वीकनेस लग रही है। आज बोलती हूँ नज़र उतारने के लिए किसी को, वह सीढ़ियाँ भी चढ़ जा रही मुझसे, पैर इतने शिवर कर रहे हैं मेरे। लखन मैं सच बताऊँ बहुत वीकनेस हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो तो काफ़ी दिन से गए, आज ज़्यादा ही लग रही है। कुछ खा पी ले इधर। मैं बता रहा मैंने बहादुर भाई का एक फोटो देखा फेसबुक पे, एकदम काला कपड़ा पहन के बदमाशी कर रहे थे मलेशिया में। व्हाइट शर्ट थी, व्हाइट शर्ट बादू भाई बहुत क्यूट लग रहे थे। अच्छा बादू भाई एक बात सुनो, तुम मलेशिया में थे ना उस टाइम पे, लोग आज भी हैं तुम्हारे दोस्त वहाँ पे? कोई भी ना मलेशिया में? अगर मलेशिया में मलेशिया तो वैसे भी ना जाए, भाई फ्री में भी ना जाए, कोई ले जाएगा तो ऐसे ही होगा ना। आज मेरा मन था हेयर कट कराने का, अनफॉर्चुनेटली वो जो सलो है वो बंद है, सलो बंद नहीं है जो काटते बाल वो नहीं आए हुए। सुबह सुबह आलू टमाटर मैंने खुद से बनवाए हैं, पता नहीं क्या हो गया मेरे को विद रोटी खाने का, जबकि सुबह सुबह मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाता। किस पे भौंक रही है बाबू? और
अरे 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 क्या हो गया दूजी, क्या हो गया? कुत्ते भौंक रहे हैं वहाँ, कुत्ते कुत्ते कुत्ते। हाँ दूजी। और अरे अरे हेलो बोल दो। हेलो सभी को। आज हमारे बीच में है शंकुंकी के संस्थापक, हाँ, युवा नेता अजय प्रकाश सिंह। अब तेरा नाम भी चेंज कर दिया प्रकाश, इसलिए क्योंकि तुम प्रकाश फैलाते हो हर जगह। अच्छा, इसलिए क्या नाम है? मेरा तो नाम अजय साई बाबू, अजय प्रकाश सिंह। अजय प्रकाश सिंह है। अच्छा ठीक है, तुम प्रकाश फैला रहे हो हर जगह। अच्छा, मैं वैसे क्या क्या वो पहली बात तो मैं तुझे शुभकामनाएं दूंगा। किस बात को? तेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स। अरे इसके लिए बहुत बहुत। अरे आज ना, आज के दिन तेरे 50 मिलियन होंगे। अभी तो 5 मिलियन हुए है, 50 मिलियन होंगे आज के दिन। आज ना अगली साल में। अच्छा। एक साल के अंदर अंदर 50 मिलियन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। हमारे चाहे दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसी दुआएं देते हैं और इन दुआओं का असर भी होता है, ऐसी बात नहीं है ना चाहे भाई? जी बिल्कुल। मैंने बहुत मिस किया सबको, सारे डॉग्स को मैं मिल रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे पैर मुझसे ना चला नहीं जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ये नज़र का कुछ होता है। क्या खुशबू आ रही है। इन लोगों को मैंने ट्रीट दे दी है, इसको भी, केबी को भी। इसका नाम वाइटी है, इसका नाम केबी है। केबी मीन्स कच्चा बादाम। इसकी माँ नहीं दिख रही, इवन गबरू भी नहीं है। ये हमारी सीट आज मैं क्या, हाँ भिजवा दो। आज सेकंड टाइम लेकर जा रहे हैं हम लोग दिल्ली अपनी कार को, अपनी ब्रांड न्यू कार। क्या होगा, तू ऐसे को देख रही? पूनम दीदी पता नहीं ऐसे किसको देख रही। अच्छा, अरे बहुत लोगों को ना धूप में रहना पसंद नहीं है, लाइक यशी और सूरज का मैंने देखा, उनको धूप से मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसी मेरी बहन को मतलब 2 मिनट में धूप में नहीं रह जाता, जबकि धूप लेना बहुत जरूरी होता है। रोहित जगह है पीछे? जगह नहीं है बिल्कुल भी नहीं। वैसे नहीं है जैसे वो सोचते हैं ना उन गाड़ियों में, यहाँ पर जगह ही नहीं। तो एक काम करो, लेट जाओ तुम। रोहित वो भी पीछे को हो जाएगी थोड़ी बहुत तो है यार। एक काम करो, किया ही ले चलो यार, इसको छोड़ दो। मैं भी अपनी आगे करूँ सीट? उससे आगे कर। नहीं नहीं, तो उससे नहीं, रिक्लाइन तो रहने दे। ओके लक्सू, सी यू, बाय बाय। ओके, तो हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। मुझे मैंने सोचा था मैं एक मार्केट जाऊंगा जहाँ पर बहुत अच्छे मतलब कपड़े मिलते हैं। का चार्जर ऊपर भेजूं है? नहीं, चार्ज है मेरा फोन। मेरे को माइक दे दो बस। रोहित के पास। चलो सी यू, ध्यान रखना, तुम्हारा गिफ्ट आगे ओपन करते हैं। अभी तक लखन का गिफ्ट ओपन नहीं करे पता है। हम लोग आए घर पर वापस और ड्यूटी गुच्ची को बाहर वॉक कराने की। उससे पहले मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेने के लिए जो गई थी, वैसे मैं इतनी दूर तो इसीलिए नहीं गई थी, बट मेरे लिए ये बाल्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे बहुत ही एक हमारी प्यारी सब्सक्राइबर ने बताया था कि अगर आप कुत्ते को खाना देते हो, हम लोग जो बाहर यहाँ पर गबरू वगैरह को तो हम लोग एक ट्रे में देते हैं, बट हम लोग बाहर जहाँ पर जिसको भी देते हैं उसको हम ऐसे ही दे देते हैं, तो उनका जो मुंह लगता है ना नीचे, तो वो ऐसा बोला कि छिल जाता होगा। इसलिए मैं ये बाल्टी लेकर आई। इससे छोटा साइज मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगी यहाँ पर ढूंढने का, यहाँ पर मिलता तो ये बाल्टी में लेकर आई हूँ। कल उनको इसमें खाना देंगे, देखते हैं कैसा होता है। मैं दिखाती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। अभी लखन को डुम्मी लखन को कह रही हूँ, अभी गुची को डुम्मी डुम्मी करानी है, डुम्मी डुम्मी गाड़ी में। चलो अब हम गुची को लेकर आए घुमाने के लिए, और मैं ये दीदी की कार ड्राइव कर रही हूँ। यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं है। सर बताऊँ किया बंद हो जा, बहुत अच्छी है दीदी। यार वॉइस ऑफ देखिए हमारे कहाँ से बंद होगा। ओके ओके चलो आ जाओ, गुची को पीछे ही रखना। हाय गुची, मौसी की गाड़ी में चलो डुम्मी डुम्मी। मौसी की गाड़ी में जाने के लिए बड़ा खुशी होता है। गुची को ले आई हूँ मैं घर पर, शीरो से मिलवाने करने दे टॉयलेट, क्योंकि मेरा गुची शीरो से कम मिलता है, इसीलिए। चल शीरो को पता चल गया सोनी दीदी आई नहीं है। हेलो शीरो, देखो गुची आया, गुची कौन आया है, कौन आया है? गुची के बेस्ट फ्रेंड शीरो, और ऑस्कर तो नहीं है क्या, शीरो है। ए ये क्या कर रहे हो? हेलो माधुर भैया, क्या बन रहा है आज खाने में? चटनी बना। चटनी और क्या बना है? बस यही है खाने में, कुछ भी नहीं है। ये चावल है, व्हाट एल्स भी है, दाल है, राजमा है। माधुर भैया भी हमारे राजमा बहुत टेस्टी बनाते हैं, और उपमा भैया तो सब चीज टेस्टी बनाते हैं। शिरो ऑस्कर आपको इंटरेस्ट नहीं हुआ गुची में? गुची को देख के आप खुश नहीं हुए? नहीं। शिरो तो हो गया, कहाँ गुची, कहाँ देख गुची टॉयलेट ना कर दे। यहाँ पर ना रिक्की है ना दीदी है। रिक्की रिक्की रिक्की, थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो रिक्की तो है, बाकी कोई भी नहीं है। ए! और रिक्की देखना क्या देख रहा है, और रिक्की का ये लैम्प भी देख सकते हो। गुची को, गुची कितना खुश हो जाता है शीरो के पास आके, और ऑस्कर दुखी हो जाता है गुची को देख के। हे बाबू आप सैड हो जाते हो, ये तीनों ऐसे 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 क्यों घूम रहे हैं? है छोटे, तू तीनों को संभाल लेगा? नहीं संभाल पाएगा,
सबसे शैतान कौन है इनमें से? गुची। ए, गुची का मत बोल कुछ। देखा आपने, गुची को शैतान बोल दिया। वैसे गुची है शैतान? कोई है नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती ही हूँ, क्योंकि मॉम भी नहीं है, दीदी भी नहीं, कोई भी नहीं है घर पर। मैं चलती हूँ, गुची को थोड़ा और घुमाती हूँ, पॉटी कराती हूँ। सुधीर तो गुची मस्त अपना घूम रहा है, मैं इसको पीछे ले आई। हे भगवान, गुची कोई भी जगह मत छोड़ना। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा लड़का है जो पूरी पर्सनैलिटी में रहता है, बिल्कुल भरोसा मत करना। और इस पर तो मैं बिल्कुल नहीं करती। अभी ये निम्मी को छोड़ने गया था घर पर, निम्मी ने बोला कि एक दिन की दीदी छुट्टी दे दो। और क्यों लेट हो गया भाई? उसके घर ही छोड़ने गया था। उसके घर में उसको बिठा के आया? नहीं, चाय पानी पी कर आया, गली में छोड़ के ऐसे चला। झूठ मत बोल। हाँ? तू कहीं और गया था? गाइस, अब मैंने आपको शक्ल चेहरा दिखा दिया। अगर ऐसा चेहरे वाले इंसान अगर आपके घर पर है। ओके गाइस, कल आपको पता चलेगा कि लखन को हमने क्या गिफ्ट दिया और कैसे लखन का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने और हमारी टीम ने सबने मिलकर। मिलते हैं कल एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय। और हाँ, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट कर देना कैसा लगा ब्लॉग। बाय बाय।